हेलो फ्रेंड्स, किरण द नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। ये डिज़ाइन रिवर्सेबल है, आप इसको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी, देखिए मैं इसको पलटाती हूँ, ये देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है। दोनों तरफ से ये एक जैसा आता है, इसलिए इसकी ना तो कोई राइट साइड होगी ना ही रॉन्ग साइड। आप अपने बहुत सारे प्रोजेक्टों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कार्डिगन बनाएं अपना, जेंट्स स्वेटर पे डालें, बच्चों के स्वेटर पे डालें, बेबी ब्लैंकेट पे डालें, कैप पे डालें, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही सुंदर उभर के आएगा। अगर ये डिज़ाइन आपको शॉल पे डालना हो तो आप मोटी सिलाइयों से इसको बुने, यानी कि जैसे 8 नंबर की सिलाइयों से या 9 नंबर की सिलाइयों से इसको बुने तो ये मोटा मोटा बुन के आएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हम बुन के देखते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है और आप इसको बॉर्डर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्डिगन में जैसे आप इसका बॉर्डर बनाएं, जेंट्स स्वेटर में बॉर्डर बनाएं, बच्चों के स्वेटर पे बनाएं, और साइड में जो बटन पट्टी चला सकते हैं इसकी, देखिए इसकी बटन पट्टी भी बहुत सुंदर बन के आएगी। तो चलिए इसको हम बुनना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बुनने के लिए मैंने लिए है 24 फंदे। ये डिज़ाइन 4-4 के मल्टीपल में चलता है। आप सिर्फ 4-4 के मल्टीपल करें अपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए, ये आराम से सेटल होगा। यानी कि 4 के मल्टीपल, यानी कि 4 का पहाड़ा, आप 4 का पहाड़ा पढ़ें, अपने जितने स्टिचेस आपको रखने हो आप उसमें रख सकते हैं। तो इसमें एक एक स्टिच जो आएगा वो एज पे आ जाएगा, देखिए ये वाला और ये वाला, और बाकी जो स्टिचेस होंगे उस पे डिज़ाइन आएगा। और फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए मैंने, देखिए ये रॉन्ग साइड के इसमें फंदे लिए हैं। ये रॉन्ग साइड पे इसकी एक बेसिक रो आएगी और ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट करना है, बेसिक रो भी इसकी डालनी ही डालनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे और ये इसकी बेसिक रो है और ये कंपलसरी है। तो चलिए फ्रेंड्स डालते हैं। पहला जो आप इसका एज स्टिच रखेंगे, देखिए ये सीधा रखेंगे स्टिच, सीधा बुनेंगे। अब आगे आप इसमें 1 और ये 2, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, जितने भी आपके पास फंदे होंगे आपको ऐसे ही बुनने हैं। देखिए 2 उल्टे 2 सीधे, फिर से 2 उल्टे डालेंगे, दो सीधे डालेंगे, दो उल्टे, दो सीधे, ऐसे ही ये रॉन्ग साइड वाली जो बेसिक रो है ये आपको बुन के कंप्लीट करनी है, 2 उल्टे और 2 सीधे की। देखिए लास्ट में देखिए आपके पास ये 2 फंदे उल्टे आने चाहिए, ये आप ध्यान रखिए, ये तभी आएंगे जैसे आपके 4 मल्टीपल्स होंगे, 4-4 के मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ यहाँ भी आपके पास ये 2 उल्टे आएंगे और स्टार्टिंग से भी आपके पास ये 2 उल्टे आएंगे, और ये एज स्टिच इसका एक एक रहेगा साइड पे, और एज स्टिच के तुरंत बाद जो है 2 उल्टे इधर को होने चाहिए और 2 ही उल्टे इधर को होने चाहिए, फिर ही आपका डिज़ाइन जो अच्छी तरह से सेटल होगा। तो लास्ट वाला जो एस स्टिच है इसको हम
सीधा रखेंगे उधर की तरह ही। ये बेसिक रो जो है ये हमने कंप्लीट कर ली है। ये सिर्फ आपको वन टाइम ही डालनी है, स्टार्टिंग से डालनी है जब आप डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। राइट साइड में हम रो नंबर वन में, वैसे तो फ्रेंड्स इसकी राइट और रॉन्ग साइड नहीं होगी, बट हम अपना डिज़ाइन चलाने के लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी हमें देखने में, तो इसलिए हम राइट और रॉन्ग बोल लेते हैं ताकि हमें आसानी से ये डिज़ाइन समझ में आ जाए। तो मैं इसको राइट साइड मानती हूँ, ये राइट साइड है इसकी। तो चलिए ये रो नंबर वन डालते हैं। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, बहुत ही इजी डिज़ाइन। धागा पीछे को ले जाएंगे, अब ये देखिए पीछे से ये पहला फंदा ये छोड़ लेंगे हम, ये वाला, और इसके नेक्स्ट वाला जो फंदा है आप ध्यान से देखिए, पीछे से पहला फंदा छोड़ के नेक्स्ट वाला फंदा हम इसका ऐसे सीधा बुनेंगे, ये देखिए, फिर हम पहले वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। ये दो जो सीधे फंदे हैं उस पे ये डिज़ाइन आएगा, देखिए ऐसे, फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर से ऐसे करेंगे, फिर हम हमारे पास दो उल्टे हैं, ये हर बार हमने उल्टे ही बुनने हैं के सीधों पर इसका डिज़ाइन आएगा। ये देखिए उल्टे बुन लिए हमने दो, और फिर से वैसे ही करेंगे सीधे फंदों पे, देखिए ऐसे करके पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे को हम बैक लूप से इसको बुनेंगे, देखिए ऐसे, और फिर पहला फंदा जो है जो हमने नहीं बुना था उसको हम बुन लेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन और बहुत ही सुंदर दिखने वाला छोटा छोटा डिज़ाइन। फिर से दो फंदे उल्टे डालेंगे, फिर से ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से सिलाई निकालेंगे और ये बैक लूप से दूसरे वाला फंदा हम बुनेंगे। देखिए फिर से दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे को करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास सीधे फंदे हैं दो, इस पे ही डिज़ाइन आएगा, ये देखिए ये हम बैक लूप से फंदा बुनेंगे। इसको आप दो फंदों का केबल भी कह सकते हैं, देखिए फिर दोनों फंदे छोड़ देंगे, फिर वैसे ही करेंगे दो उल्टे और देखिए ये दो सीधे हैं हमारे पास, यहाँ से पीछे से सिलाई डालेंगे और ये पीछे से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये फंदा हमने छोड़ दिया है पहले वाला, इसको नहीं बुना, पहले हम सेकंड वाला जो फंदा है वो बुनेंगे, पीछे से बैक लूप से इसको बुन के ऐसे लाएंगे और फिर हम पहले वाला फंदा इसका सीधा बुन लेंगे, दोनों को छोड़ देंगे, फिर देखिए दो उल्टे और फिर से हमारे पास ये सीधे हैं, तो इनको वैसे ही बैक लूप से सेकंड वाला फंदा और पहले वाला फंदा जो है वो सीधी तरफ से सीधा बुन लेंगे, देखिए ऐसे, और लास्ट में जो आपके पास ये एज स्टिच है इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये रो नंबर वन जो है राइट साइड के हमने कंप्लीट कर लिए। रॉन्ग साइड में है हम रो नंबर टू में, देखिए कैसे बुनेंगे, एक फंदा हम एज स्टिच जो है ये सीधा बुन लेंगे इधर से, फिर देखिए आगे हमारे पास दो फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुनेंगे, देखिए उल्टा बुन लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो दो फंदे हैं वो सीधे हैं, तो हमें राइट साइड की तरह ही इनको बुनना है इधर से भी,
देखिए ये जो फंदा है ये बैक लूप से बुनेंगे, सेकंड वाला फंदा बैक लूप से बुनेंगे, और उसके बाद हम ये फर्स्ट वाला फंदा जो है ये देखिए सीधा ऐसे बुनेंगे। सेम टू सेम थोड़ा सा फर्क आएगा, इधर वाले जो देखिए आपके फंदे हैं चेंज हो जाएंगे, जैसे ये उधर से सीधे थे तो इस पे डिज़ाइन आया था, इधर से ये वाले सीधे हैं तो इस पे डिज़ाइन आएगा, तभी ही ये रिवर्सेबल पैटर्न बनेगा। देखिए धागा आगे लाएंगे उल्टे, आपको बस यही याद रखना है कि आपको सीधे फंदों पे पैटर्न बनाना है, चाहे वो रॉन्ग साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, और उल्टे फंदे आपको उल्टे ही बुनने हैं। देखिए अब यहाँ पे ये सीधे फंदे दिख रहे हैं तो इनको वैसे ही बुनेंगे, सेकंड फंदा बैक लूप से, और फर्स्ट फंदा जो है फिर बुनेंगे सीधा, देखिए फ्रंट से ऐसे दो उल्टे। ये मैं तभी आपको बहुत धीरे से बता रही हूँ कि आपको आराम से ये आ जाए ये डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, किसी भी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सेकंड वाला फंदा बैक लूप से, और फ्रंट ये वाला फर्स्ट वाला फंदा फ्रंट लूप से, इतना सा ही डिज़ाइन है और दिखने में बहुत ही सुंदर। दो फंदे उल्टे, फिर देखिए सेकंड वाला फंदा आप ऐसे डालोगे सिलाई बैक लूप से, एक दो सिलाइयां आपको टफ लगेंगी पर ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है, आराम से बनेगा, और बेसिक रो को छोड़ के सिर्फ दो सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। देखिए दो उल्टे बुन लेंगे, सीधे फंदे हैं, फिर से ऐसे ही बैक लूप से एक स्टिच सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला जो है वो फ्रंट लूप से। देखिए ये लास्ट में दो फंदे उल्टे, और लास्ट में है जो आपका एच स्टिच ये सीधा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स पैटर्न आ गया है, बट ये थोड़े सी सिलाइयों में दिखेगा नहीं, आप जैसे 4-5 सिलाइयाँ इसमें डालेंगे तो ये दिखेगा। देखिए ये राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है, दोनों तरफ से ये एक जैसा ही दिखेगा, यहाँ अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ डला है ये, तो मैं आपको पहले वाला भी दिखाती हूँ जैसे कि आपका ये बन के तैयार होगा। देखिए जैसे जैसे आप इसमें आगे सिलाइयाँ डालते जाएंगे, ये देखिए ये रॉन्ग साइड के फंदे हैं, इसमें भी ऐसा आएगा, और ये राइट साइड है इसमें भी देखिए ऐसा ही बन के तैयार होगा। जैसे जैसे आप सिलाइयाँ डालेंगे वैसे ये आपको दिखने लग जाएगा, बहुत ही सुंदर पैटर्न और बहुत ही इजी पैटर्न है ये, थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है क्योंकि इसमें केबल्स ये चेंज करनी होती हैं, दो दो फंदों का केबल है। अब फ्रेंड्स आप इसमें रो नंबर 1 और 2 को रिपीट करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन आगे आगे चलता जाएगा, देखिए ऐसा ऐसा बन के ये तैयार होता जाएगा। आप काफ़ी सारी रोज इसमें डालें तभी ये डिज़ाइन दिखेगा, और किसी भी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, थैंक यू।